सोलन की सब्जी मंडी से किसानों की रैली आरंभ हुई। इस रैली का जिला परिषद सदस्य मनोज वर्मा ने शुभारंभ किया। ये रैली सब्जी मंडी चंबा घाट माल रोड होते हुए सप्रून बाईपास तक निकाली गई। बताया जा रहा है कि इस रैली में सोलन और शिमला के किसानों ने भाग लिया, लेकिन भाजपा नेता इस रैली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने ये आरोप लगाया है कि रैली में कोई किसान शामिल नहीं हुआ था, बल्कि रैली में केवल वामपंथी दलों के प्रतिनिधि और कुछ युवा शामिल थे जिनका किसानी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इस पर पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि भाजपा अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और वह जनता में भ्रम फैलाना चाहती है कि देश में चल रहा आंदोलन किसानों का नहीं है, लेकिन वास्तविकता सभी के सामने है और देश की जनता को अब सब समझ आने लगा है, जिसका खामियाजा अब देश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल ठाकुर ने कहा कि 60 दिनों से देश के किसान सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि देश की सरकार को मजबूर किया जा सके कि वे किसान विरोधी कानूनों को वापस ले, लेकिन प्रदेश सरकार उनकी बात को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए देश का किसान इस रैली में भाग ले रहा है। सोलन शिमला के किसान भी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को ये किसान और युवा की पर्यटक नजर आ रहे हैं, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि देश का किसान आज बेहद आहत है और वह नहीं चाहता कि ये तीन कानून अस्तित्व में रहें, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वे ये किसान विरोधी कानून को वापस ले। होता है इनकी मानसिकता पे, किस मानसिकता के ये लोग हैं, जो हमारा देश का अन्नदाता है, लाइफ लाइन जो जिसको कह सकते हैं हम, वो 60 दिन से ऊपर वहां बैठा है ठंड में, पर इनको वो टूरिस्ट नजर आते हैं। इससे बड़ा जो है मैं कहता हूं कि घटिया बात और कोई हो नहीं हो सकती। सिर्फ जो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों को जिस तरीके से इस सरकार ने धोखा दिया है, ये बोलकर कि किसानों की हम आमदन जो है 2 गुना बढ़ाएंगे, ये उनके साथ कुरा मजाक कर रही है। और वहाँ पे जो भी किसान बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और यंग युवा भी बैठे हैं, वो सब के सब किसान हैं। इनको याद है, ये मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी वालों को कि आप अपनी परिभाषा बदलें कि किसान असल में इनके साथ किसान को जुड़ा भी नहीं है। ये लालों की और सेठों की सरकार है, इनको किसानों से लेना कुछ नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के उत्थान के लिए काम किया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, स्मरण कराना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, हरित क्रांति उनकी टाइम में आई, और आज जो हम आत्मनिर्भर बने हैं खाद्यान्न के क्षेत्र में, वो सिर्फ मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की देन है। अगर वो कांग्रेस का अगर दृष्टिकोण ऐसा ना होता तो मुझे नहीं लगता कि आज हम आत्मनिर्भर होते और हम और लोगों को, देशों को भी जो हम खाद्यान्न निर्यात करते हैं, आज उस स्थिति में ना होते। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये सरकार गंभीरता से इस इशू को उठा को ले और इनका समाधान के तरीके से करे। और जो ये कह रहे हैं अगर किसान ही बिल को नहीं चाहता तो ये क्यों उसको लागू करने के ऊपर आप ना हुए, क्योंकि अगर ये किसान के देशी हैं और किसान कहता है कि इससे मेरा नुकसान है, तो मेरा मैं मानना है कि इनको तुरंत प्रभाव से ये तीनों के तीनों बिल जो है निरस्त करने चाहिए। आय दुगुनी कहाँ से होगी, इस तरह से दुगुनी तो ये अम्बानी और अडानी की माय दुगुनी हो रही है। ये सबको जो इनके बड़े बड़े इनको देख रहे हैं, ये जिम्मेदार को बात करें तो ये जो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि जो किसान है किसान नहीं है वहाँ पर, नहीं ये गलत बात है, सब किसान है यहाँ पर, जो ये आ रहे हैं सब किसान है यहाँ पर, क्यों नहीं है, कौन बोलता किसान नहीं है। ये जो जितने बड़े तब किस पे हमला कर रहे थे कल आप लोग, जो किसान नहीं हो,